स्वामी जी एक सवाल है मेरा, किस तरह देखते हैं राष्ट्र बड़ा है कि धर्म बड़ा है? धर्म की सीमा में राष्ट्र है, राष्ट्र धर्म भी धर्म की सीमा में ही है, राष्ट्र भी धर्म की सीमा में ही है। आखिर राष्ट्र का उत्कर्ष किससे होगा? धर्म से होगा। आपको लगता है कि जैसे आप हिंदू राज की बात करते हैं, बाकी जो कम्युनिटी है उससे राजी होगी? कहीं खंडन होता है क्या? फिर सुनिए, क्रिश्चियन तन मुस्लिम तो कम्युनिस्ट तन, आजकल जो है पूरे विश्व में हम लोगों का संदेश जाता, कहीं से कोई खंडन नहीं हो रहा। इसका मतलब हम किसी का गला काटने की बात तो नहीं कहते, हम कहते सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, इस सत्य को कौन नहीं मानेगा। दूसरी बात हम कहते हैं कि दर्शन की दृष्टि से देख लो, विज्ञान की दृष्टि से देख लो, व्यवहार की दृष्टि से देख लो, अर्थ की दृष्टि से देख लो, काम की दृष्टि से देख लो, मोक्ष की दृष्टि से देख लो, धर्म की दृष्टि से देख लो, कहीं भी विसंगति नहीं है। ऐसा जो प्रशस्त मार्ग है उस पर चलने से सबका हित हो सकता है। स्वामी जी देखा जाए तो ये जो राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पे सियासत करती हैं, तो लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है? अगर पहले राजनीतिक पार्टी को बताना चाहिए कि राजनीति की परिभाषा क्या है। राजनीति की परिभाषा जानते नहीं तो राजनेता कैसे? और राजनीति की परिभाषा सुनिए, महाभारत में मत्स्य पुराण में राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, अर्थनीति, दंड नीति पांच शब्द हैं। ये पर्यायवाची है, एक अर्थक है। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म क्षात्र धर्म कहते हैं। राजनीति करने वाले व्यक्ति जो है ये बतावें कि राजनीति की परिभाषा उनके यहाँ क्या है। अगर परिभाषा ही नहीं जानते तो राजनेता कैसे? पर लगता है कि धर्म के नाम पे राजनीति होती है, या तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है? फिर से सुनिए, राजनीति अपने आप में धर्म है, धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति है या बवाल। राजनीति का अर्थ ही है राजधर्म। नीति और धर्म पर्यायवाचक है या नहीं? अनीति और धर्म पर्यायवाचक है या नहीं? राजनीति का नाम ही महाभारत के शांति पर्व में है राजधर्म पर्व। राजधर्म, राजनीति, क्षात्र नीति, अर्थनीति, दंड नीति, ये पांचों पर्याय। बीजेपी तो आई थी यही कह के कि हिंदू राष्ट्र का भी नारा देती है वो। पहले बताइए किस नेता ने बीजेपी के हिंदू राष्ट्र की बात कही हो? सेकुलर संविधान में कह नहीं सकते। इनडायरेक्टली तो कहती है, इनडायरेक्टली तो नकल करके, अकल के बिना। तो आप जो चल रही है सेंटर में, जब लहर चल जाएगी तो लाभ उठाने के लिए बीजेपी भी कूद पड़ेगी, शिवसेना वाले भी कूद पड़ेंगे। लहर चलाएंगे हम, लाभ उठाने के लिए वो आगे आ जाएंगे। आप भी शायद आ ही जाएं, संभव है आप भी उस समय आ जाएं।